अल्हम्दुलिल्लाह जी भी करते हैं रोज़ा इफ्तार माशाल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे व्यूअर जहाँ भी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, हंसते हैं, किसी दुआ के साथ करते हैं आज का वाला शुरू। तो वाला शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक कर लें। आज है जी 15 रमजान मुबारक, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासदत का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको उनकी ज़िंदगी से सीखने की तौफीक अता फरमाए कि किस तरह उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो अभी जी टाइम तकरीबन हो रहा है 3:30 बजे का, तो मैं उठा तो काफ़ी देर का हुआ हूँ, लेकिन ऐसे जी बस फिर जी लेट गया था नमाज तहज्जुद अदा करके। तो आज 15 रमजान मुबारक, तो चांद भी आज जो है अपना पूरा हो गया, मुकम्मल 15 दिन का चांद हो गया जी। अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं जी सहरी में क्या बना, सहरी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फर्स्ट सहरी जी घर में माशाल्लाह सफ़ेद चने साथ दही जी माशाल्लाह जी, और साथ चोपड़ी देसी घी की रोटियाँ माशाल्लाह, लस्सी। अल्हम्दुलिल्लाह जी करते हैं मज़े के साथ सहरी। अभी सिर्फ 20 से 25 मिनट रह गए हैं सहरी ख़त्म होने में, जल्दी जल्दी सहरी करते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक आध रोटी खानी है और फिर हमारा रोज़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वाइट चने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पीते हैं लस्सी जी मज़े से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रोज़ा सहरी कर लिया जी, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ सहरी करने में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडे जी दही और लस्सी मैंने मिक्स करके फिर पी रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है। वहाँ पे सौमिक दिन मिन शहर रमदान, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं नमाज फजर अदा करने के लिए, सहरी हम लोगों ने कर लिया। अभी रहते हैं 5-10 मिनट सहरी ख़त्म होने के लिए, फिर निकलते हैं जी, जब अजान होती है तो नमाज पढ़ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी अजानें होना स्टार्ट हो गया हमारे इर्द गिर्द सभी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी जा रहा हूँ नमाज फजर अदा करने के लिए, और टाइम तकरीबन जी अजान हुई 10-15 मिनट हो गए, अभी चलते हैं जी नमाज फजर अदा करने के लिए जी। माशाल्लाह तो वो सामने रही मस्जिद, अभी इधर चल के नमाज पढ़ते हैं जी। जी माशाल्लाह सूरज चेक करो, पहाड़ों के पीछे से सूरज निकला माशाल्लाह जी, और सनराइज हो रहा है माशाल्लाह। नमाज़े फजर अदा करने के बाद मैं और उस्ताद जी जी आ गए हैं बाहर सैर करने के लिए, और उस्ताद जी मुआयना कर रहे हैं अपने खेत का, ज्वार वाले खेत का। इधर चेक करो ये बैठे हुए हैं इधर, और मुआयना कर रहे हैं कि इसको ना स्प्रे इन्होंने करनी है, और देख रहे हैं कि लुड़ी वगैरह तो नहीं लगी हुई जी, पत्ता लपेट जो पत्ते को खाती है ना लुड़ी वो तो नहीं लगी हुई, चेक करो माशाल्लाह जी। और साथ जी जो कौवे हैं ना उनकी राखी हो रही है, क्योंकि वो बीज जो ना खाते हैं और साथ पौधे भी खाते हैं। चेक करो सूरज फुली तौर पे बाहर निकल रहा है, और बहुत बड़ी बात के वालेकुम सलाम भाई, तो पहाड़ों से सूरज निकल रहा है माशाल्लाह, चेक करो जी। अभी जी बच्चों को जाना स्कूल छोड़ने, अभी निकलते हैं जी, टाइम देखे में वो 7:30 बजे का इनका स्कूल लगना है जी 8 बजे, अभी चलते हैं स्कूल छोड़ने। जहाँ आपने जाना साथ आ जाओ, फिर जहान भी साथ जाएगा स्कूल छोड़ने बच्चों को, इधर बैठेगा जहान। आ लाओ बैग पकड़ाओ इधर, ये बैग पकड़ लिया हमने। इधर जी पहले कितना ज़्यादा पानी था, लेकिन अभी गर्मी आना स्टार्ट हो गई तो पानी भी जैसे ख़त्म हो गया, तकरीबन थोड़ा सा पानी जाएगा सर जी माशाल्लाह जी। और जा रहा हूँ अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, कच्चे रास्ते से होता हुआ जी। इधर जी होती है तूड़ी बरीक, दो ट्राले इन्होंने भर के ना लाए हुए हैं, इस ट्राले में तकरीबन 200-150 मन तूड़ी पड़ती है जी, जितना बड़ा ट्राला जी। तो ये तूड़ी जो है ये पुरानी पिछले साल की लेके आते हैं भाई बॉर्डर से, उधर लोगों ने स्टॉक की है, तो जो अभी गंदम कटेगी उसकी न्यू तूड़ी होगी जी। अभी गंदम पकने में सिर्फ जी तकरीबन 1 महीना पड़ा हुआ है, फिर जी ईद के बाद इंशाल्लाह जो है ना गंदम की कटाई स्टार्ट हो जाएगी जी, फिर न्यू तूड़ी जो है न्यू बोसा वो जन्म लेता है। अभी बच्चों का स्कूल रहेगा वो सामने जी,
अभी जी भैंस के लिए मसाला हम लोगों ने तैयार कर लिया, प्याज, हरी मिर्च, नमक और जी बाजारी मसाला भी मिक्स है इसमें। अभी देते हैं भैंस को मसाला, क्योंकि हरा बहुत ज़्यादा खा रही है, इसी वजह से ज़्यादा कम खाती है जी, तो इसका मैदा जो है ना वो सेट रहेगा, इसी वजह से इनको देना है मसाला। अभी जी जाएगा भैंस का मसाला, इसका मैदा जो है ना वो सेट रहेगा जी, और चारा ज़्यादा खाएगी। ये कोई आसान काम नहीं है, अगर इसके जो जबड़ा है इसका इसके अंदर हाथ आ गया ना एक बार तो फिर चीका ही निकलनी है। अं तो साग अं भी साग खाता सालने मसाला तरह कोई साला भी कमा ही क्यों नहीं साहब। अभी जी उसताद जी ने हुंडा 125 निकाल लिया जी। अभी जी जा रहे हैं अपने टोन वहां से लेके आना सिमट थोड़ा सा, क्योंकि सेम में से ना ईद उखाड़ी हुई है जी, उनको लगाना है, उनकी मरम्मत करनी है। दूसरा जी ईद का जो है ना वो सूट सिलाई कराने के लिए देना है। तीसरा काम ये करना जी कि अफ्तारी में कुछ सामान लेके आना। अभी निकलते हैं जल्दी से टोन को, उधर सारे काम कर करते हैं। तो उस्ताद जी जी बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक भाई जान, और सब ठीक ठाक है? लाभ देने कितने रहते हो? अच्छा, और काम शाम से चल रहा है? इनके रेट लिस्ट जो है ना बढ़ गई है। इंज कह लाने भाई जवेद, पहले 800-800 ही होते पर्चियां लग गई, 1000, 1200, 1500 ट्रिपल सिलाई ईद नहीं, दो दिन पहले भाई जस्ताद जी अभी जी निकलते हैं आगे, जो सामान लेना वो लेके आते हैं जी। तो सूट हम लोगों ने सिलाई कराने के लिए दे दिया जी, आप भी जल्दी जल्दी दे दें, बाद में रश पड़ जाएगा फिर जी। बाकी जी सारा सामान ले लिया, अभी सिर्फ रह गए जी समोसे लेने वाले जी, जो कि बहुत ही अच्छे समोसे बनाते हैं भाई जान। ये रहे समोसे जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, समोसे 5 समोसे क्या और कर दो, 5 समोसे और कर दो। चिकन समोसे का सादे चिकन वाले तो पैसे चलिए ले लिए जी समोसे। अभी जी समोसे जी ले लिए, अभी सिर्फ भैंस के लिए वंडा लेके जाना वो नहीं मिल रहा, वो लेके तो फिर निकलते हैं जी गांव की तरफ। ये हम लोगों ने इधर बाइक खड़ी की है, ये ले लिया चूना और साथ जी वडेने भी लिए हैं जी घर के लिए भैंस के लिए। तारी करनी है, काम पक्का होएगा, मुड़ के तो टूटे करेगा दादा। अभी जी सामान लेके सिमट भी और साथ जफ्तारी का सामान और साथ चूजों का बाजरा लेके घर पहुंच गया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी करते हैं रोज़ा इफ्तार माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी ला कसम तू अभी कमन तू अलैक तवक्कल तू रिज़्क़ी का इफ्तार तू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोज़ा हम लोगों ने इफ्तार कर लिया, अभी जा रहा हूँ नमाज मगरब अदा करने के लिए। तो मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल को जरूर दबा दें, ताकि मोस्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में तब तक शुक्रिया।